हिंदुस्तान का कोना कोना हर हिंदी का सपना है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तलक सब अपना है, ये धरती जागीर है, इस धरती के हर इंसान की ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान। आदरणीय शरद चंद्र पवार साहेबांचा, आदरणीय छगनराव जी भुजबळ साहेबांचा, अजितदादा पवार तू मागे पडो, सुप्रिया ताई तू मागे पडो, टूट के जागे पडो, आसिफ साहेब तू मागे पडो, पचास खोके वारे मोदी तेरा खेल, दारू महिला तेल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, वारे मोदी तेरा खेल, दारू महिला तेल, आशीष साहेब आगे बढ़ो, आशीष साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, शरद पवार साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, पचास खोके वारे मोदी तेरा खेल, सस्ता दारू महंगा तेल, वारे मोदी तेरा खेल, सस्ता दारू महंगा तेल। देखिए हम सब देख रहे थे कि महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और इत्मीनान के साथ सरकार चल रही थी। अगर दूसरे राज्यों के मुकाबले के अंदर आप देखेंगे कि किस तरीका से एमपी के अंदर, गुजरात के अंदर और भी कर्नाटका के अंदर जिस तरीका से दंगे, हिंदू मुस्लिम मुनाफरत का नंगा नाच नाचा जा रहा था, महाराष्ट्र इन तमाम ही चीज़ों से पाक था क्योंकि महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो इत्मीनान के साथ पुरसुकून माहौल चल रहा था। लेकिन हम सब जानते हैं कि बीजेपी शायद इसीलिए महाराष्ट्र के अंदर और दीगर इलाकों के अंदर आमदार को खरीदना और महंगाई बढ़ा करके आमदार को खरीदना और हिंदू मुस्लिम का नंगा नाच, हिंदू मुस्लिम का नंगा नाच करना, मंदिर और मस्जिदों के ऊपर सियासत करना, ये बीजेपी का शुरू से फंडा रहा है। और इसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर भी उन्होंने सरकार को आमदार को खरीद करके 50-50 खोके के अंदर आमदार को खरीद करके सरकार को गिराने का काम किया और महाराष्ट्र के अंदर भी वो दीगर राज्यों की तरह से नंगा नाच नाचने का सोच रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है महाराष्ट्र की जनता के ऊपर कि वो सच का साथ देंगे। और इसी तरीका से आज हम देख रहे हैं कि महंगाई कितनी ज़्यादा सर चढ़ करके बोल रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम हवाओं से बातें कर रहे हैं, महंगाई हवाओं से बातें कर रही है। इसीलिए आज महाराष्ट्र का युवा सड़कों के ऊपर आकर के निकला है। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से, मालेगांव राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस पार्टी की जानिब से आसिफ शेख रशीद साहब की जेर क़यादत आज हम प्रांत ऑफिस के अंदर आए हैं और हमने यहां पर मेमोरेंडम दिया है महंगाई के खिलाफ। और जिस तरीका से शिंदे सरकार महंगाई के खिलाफ चल रही, महंगाई को लेकर के चल रही है, उसके खिलाफ हमने यहाँ पर मेमोरेंडम दिया है और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि महंगाई के ऊपर रोक लगनी चाहिए। जीएसटी बढ़ा करके, जीएसटी इसलिए बढ़ाई गई है, महंगाई इसलिए बढ़ाई गई है ताकि आमदार को खरीद सके। ये कौन सी सियासत कर रहे हैं? ये हिंदुस्तान का तरीका नहीं है। ये मुल्क को हमारे पुरखों ने भी, आपके पुरखों ने भी, सबके पुरखों ने कुर्बानी दे करके ये मुल्क को आज़ाद कराया है और आपने क्या तस्वीर बना दी हिंदुस्तान की? हिंदुस्तान का कोना कोना हर हिंदी का सपना है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तलक सब अपना है, ये धरती जागीर है, इस धरती के हर इंसान की ये कैसी तस्वीर बना दी तुमने हिंदुस्तान की? आज हम यही मांग लेकर के यहाँ पर मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं और हम गुजारिश करते हैं कि महंगाई के ऊपर रोक लगनी चाहिए।